अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। तो आज की वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी रैंडम ही है, क्योंकि मैं यहाँ शॉपिंग अपने दोस्तों के पास आया हूँ। तो ये जो दोस्त हैं, आइए इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं और ये क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैरवी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। तो तैरवी क्या कर रहे हैं अभी? ये आज वीकेंड है तो हम नाश्ता वगैरह बना रहे, पराठों का दिल कर रहे, हमने कहा चल पराठे बना लेते हैं। अच्छा, शाम डेज में तो हम लोग विलेज जैसे ब्रेडशीट डाल के वो हम यूज करते, लेकिन आज जो है पराठों का दिन बहुत दिल था तो हमने कहा ये बना लेते। अच्छा, तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी बनाए थे ये पराठे? नहीं, यहाँ पे आके सब कुछ सीख लिया, यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं आता, अंडा बनाना भी नहीं आता। अच्छा, गुड हो गया। चले बाकी दूसरे भाई से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये क्या बना रहे हैं? बड़ी गोल गोल रोटियां नजर आ रही हैं हमें देखने को, हैं? बस कोशिश कर रहे हैं गोल बनाने। तो ये क्या सीन है, ये स्वीडन भी आके आपने जो है ना पाकिस्तान वाला कल्चर छोड़ा क्यों नहीं है? सर हमें ये चीजें पसंद है इसलिए हम करते हैं। पहली चीज तो ये है कि मिलती भी नहीं है ये रोटी ना, इस तरह की आटा और मिल जाता है लेकिन रोटी खुद बनानी पड़ती है। इधर ही आके सीखी है, देख लें आपके सामने ही है। क्या बात है, चेक करें जी, बिल्कुल पाकिस्तान में जिस तरह से वो तंदूर होते हैं ना वहां से मिलते हैं गोल रोटियां, बिल्कुल वैसी रोटियां जो है ना ये बना रहे हैं लोग। तो नाज़रीन आज स्टूडियो के अंदर आपने देखा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना वो पाकिस्तान की यादों को ताज़ा रखने के लिए पराठे वगैरह बनाते हैं, ताकि जो है पाकिस्तान से जो अपनी मोहब्बत है उसको वो भी लेके चलें और जो अपनी रूटीन बनी है पाकिस्तान में उसको जो है मेंटेन रखें। तो एंड टाइम एक डेयर तक अपना डेरू डे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।